में गांव के बाहर एक खेत में पेड़ से लटके हुए दो बच्चों के शव प्राप्त हुए थे। डायल 100 के लोग, डायल 112 के लोग तत्काल मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने तुरंत रिस्पांस दिया था। प्राइमा फेसी दोनों बच्चियां अपनी दुपट्टे से हैंगिंग अवस्था में पाई गई हैं। शरीर पर जाहिरा तौर से कोई चोटें नहीं पाई गई। बाकी की जितनी चीज़ें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएंगे। परिवार वालों से अपील की जा रही, वो जैसा भी लिख कर देते हैं हम वैसा ही बयान लिखने को देंगे और आगे की भी कार्रवाई इस पर हम करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इन बच्चों को न्याय और इंसान दिलाया जाए। जो पोस्टमार्टम होगा वो विशेषज्ञों के पैनल के द्वारा इन वीडियो कराया जाएगा, जिससे कि सभी चीज़ें साफ हो सके। मैं परिजनों का आरोप है कि पुलिस जबरन शव को लेकर गई है, बिना पंचनामा के शव जो है पुलिस जो है लेके गई है। सारी चीज़ें जो विधिक कार्रवाई हैं वो की जाती हैं, बाकायदा उस पर कागजातों पर परिवार वालों के किसी मौजूदगी किसी नुमाइंदे के हस्ताक्षर होते हैं। आरोप है, आरोप की सत्यता कागजों से सिद्ध हो जाएगी। मैडम परिजन के साथ परिजनों के लगाने का आरोप लगाया है, लेके आएंगे उसके बाद में हम पीएम कराएंगे। परिजनों को इस सब में भीषण शोक है, शोक की अवस्था में वो डिमांड रख सकते हैं। विधिक तौर पर क्या अनुमन्य है उसके अनुरूप ही हम कर। मैडम जिस हिसाब से वो मौखिक आरोप मौखिक रूप से जिनका नाम ले रहे हैं उनकी क्या गिरफ्तारी हुई है अभी तक? बिल्कुल, इसके लिए हमारी टीमें रवाना हैं और जितनी जल्दी हम अपना कार्रवाई कर पाएंगे हम आपको ब्रीफ करते हैं। जिससे कि परिजनों का आरोप है कि पंचनामा नहीं भरा गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मैंने अभी बोला आपको, सारी विधिक कार्रवाई करवाने के बाद ही आगे की चीज़ें होती हैं, जिस पर किसी न किसी विटनेस के हस्ताक्षर भी होते हैं। तो ऐसी तो शोक की अवस्था में कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हम अपना पूरा काम विधिक तौर पर एज पर प्रॉपर प्रोसीजर ही करेंगे। मैम क्या